नमस्ते फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने जो है वो लास्ट टाइम हमने अष्टांग हृदय का मंगलाचरण देखा था और मंगलाचरण के जो है वो शब्द थे उनके अर्थ का उनके उनका मतलब समझा था। आज हम अर्थात आयुष्कामयम अध्याय व्याख्यास्यामः जो जहाँ से अष्टांग हृदय चालू होता है उसकी व्याख्या देखेंगे और उसकी व्याख्या सुनेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अथात आयुष्कामयम अध्यायम व्याख्यास्यामः, यहाँ से जो है वो आपकी मूल संहिता चालू होती है। जैसे कि हम कोई नई बुक पढ़ते हैं या नई किताब पढ़ते हैं तो हमें उसे उसका टाइटल समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें उसे उसका टाइटल ही नहीं समझा तो हमें ये नहीं समझेगा कि इस बुक के अंदर लिखा क्या है। उसी प्रकार कई बार MCQ में जो है वो टाइटल से रिलेटेड MCQ आते हैं। मैक्सिमम बच्चे अक्सर टाइटल के बारे में जो है वो पढ़ते नहीं हैं और इसलिए जो है वो MCQ उनके गलत हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि अथ शब्द का अर्थ जो है वो क्या है, या फिर बाद में आयुष काम्य में अध्याय शब्द का अर्थ क्या है, या अध्याय शब्द यहाँ पे क्या इसका क्या मतलब यहाँ पे है। तो इसलिए जो है वो एक बार टाइटल को जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आपके स्क्रीन पे जो है वो एक शेयर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि पद समुदायो वाक्यम, वाक्य समुदाय प्रकरणम, प्रकरण समुदायो यह यानी कि अध्याय, अध्याय समुदायो स्थानम, और स्थान समुदाय तंत्रम इति। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि आज तक हमने 12th तक जितने भी टेक्स्ट बुक पढ़े थे तो उन टेक्स्ट बुक्स में जो चैप्टर होते थे वो चैप्टर वाइज दिए जाते थे और उनका एक प्रॉपर इंडेक्स होता था। लेकिन आप देखोगे कि संस्कृत के अथवा हमारे जो विज्ञान के शास्त्र हैं उन शास्त्रों में सारे चैप्टर्स नहीं हैं, अध्याय हैं, और ये अध्याय जो है वो स्थानों में डिवाइड किए गए हैं। तो पहले हमें ये पता करना होगा कि ऐसा डिफरेंस क्यों है और ये अध्याय क्या क्या होता है, किस अध्याय किस चीज़ को कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे इंग्लिश में ग्रामर में, इंग्लिश के ग्रामर में ऐसा होता है कि दो वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनता है, बहुत सारे सेंटेंस मिलके जो है वो एक पैराग्राफ बनता है, और बहुत सारे पैराग्राफ मिलके जो है वो एक चैप्टर बनता है, और इस प्रकार बहुत सारे चैप्टर मिलके जो है वो एक बुक बनती है। इसी प्रकार आप अष्टांग हृदय में देख सकते हैं कि पद समुदाय वाक्यम यानी कि जैसे हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं वैसे ही संस्कृत में पद बोला जाता है, एक शब्दों को पद बोला जाता है। तो पद के समुदाय को वाक्य यानी कि सेंटेंस कहते हैं, वाक्य के समुदाय को प्रकरण, प्रकरण यानी कि एक विषय से रिलेटेड कुछ वाक्य, और प्रकरण समुदाय दायो यह यानी कि अध्याय। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण जब मिलते हैं तो उसको हम अध्याय कहते हैं। अध्याय में अलग अलग प्रकार के प्रकरण हो सकते हैं लेकिन सभी प्रकरणों का जो संबंध है वो आयुष काम्य अध्याय यानी कि आयु की कामना से रिलेटेड ही रहेगा। फिर अध्यायों का समुदाय जो होता है उसे स्थान कहते हैं। तो जैसे कि सूत्र स्थान है, निदान स्थान है, विमान स्थान है, तो सभी अध्यायों का जो रिलेशन है, जैसे कि अगर सूत्र स्थान में अध्याय है तो सूत्र स्थान से रिलेटेड ही रहेगा, निदान स्थान के अध्याय है तो सभी जो स्थान है उनमें जो विषय रहेगा वो निदान से रिलेटेड ही रहेगा। वैसे ही स्थान समुदाय तंत्रम, और सारे स्थानों का जो समुदाय उसे तंत्र या शास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार जो है वो हमारे यहाँ शास्त्र निर्माण करने की पद्धति है। ये शास्त्र निर्माण करने की पद्धति आपको सिर्फ आयुर्वेद में नहीं तो बाकी अन्य शास्त्रों में भी जो है वो आपको मिलेगी। अभी यहाँ पे ये जो अथ अथ शब्द है, अथात शब्द है, इसका यहाँ पे क्या अर्थ है वो देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक श्लोक मैंने यहाँ पे जो है वो डाला है, ये मैंने अष्टांग हृदय की टीका में से जो है वो अरुण दत्त जी ने वर्णन किया है वहाँ से लिया है। ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वावैतो ब्राह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तेनेमो मंगलो स्मृतो। यानी कि क्या कि ओंकार और अथ ये जो है ये ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए है इसीलिए ये कैसा है, मंगलो यानी कि मंगल है। अभी जैसे आप वेदों में देखेंगे कि सभी मंत्र जो है वो ओंकार से चालू होते हैं, उसी प्रकार अगर आप हमारे शास्त्र या कोई भी विज्ञान शास्त्र देखेंगे तो वो जो है वो सारे ग्रंथ जो है वो अथ से अथात या अथ से चालू हो रहे हैं। तो यहाँ पे अथ क्यों लिख रहे हैं सारे शिष्य,
क्योंकि ये जितने भी लोग जिन्होंने ग्रंथ लिखा ये किसी ना किसी गुरु के, किसी महान गुरु के शिष्य ही है। तो इन सभी शिष्यों ने अच्छा शब्द से क्यों चालू किया है, तो उसका एक्सप्लेनेशन अरुणदत्त जी ने अपनी टीका में इस प्रकार दिया है कि यत्र पूर्व वचना नाम क्रियते तद उत्तरम स्यात्, यानी कि पूर्व के वचन को सुन के बाद में उसका उत्तर देना, या पूर्व के उत्तर को सुन के बाद में उसका जो है वो पूर्व वचन समझना, इसे अलंकार कहा जाता है। तो ये ग्रंथ लिखने की पद्धति है। तो इसका अर्थ क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई शिष्य है, वो शिष्य जो है वो अपनी बुक लिखना चाहता है, तो बुक लिखते वक्त क्या सोचेगा, वो यही सोचेगा कि मैंने अपने गुरु से ऐसे क्या प्रश्न किए थे जिसके उत्तर में मुझे ये ज्ञान मिला। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे हमारा टाइटल आयुष काम्य है, तो ये आयुष काम्य देख के हम सोच सकते हैं कि महर्षि भागवत ने पहला क्वेश्चन क्या पूछा होगा। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने शायद पहला क्वेश्चन ये पूछा होगा कि इस धरती पे जो है वो इतने सारे रोग आ गए हैं, लोग इतने सारे दुखी हो रहे हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो उसके उत्तर में उनके गुरु ने कहा होगा अथात आयुष काम्य मध्यम व्याख्या श्याम, यानी कि जिनको भी अच्छी आयु, अच्छे एज की या अच्छे उम्र की कामना है, वो जो है वो ये चीज़ करे। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो भी जब बुक लिख रहे थे तो वो अपने गुरु के मन में जो है वो यही सब सोच रहे थे, और इसीलिए उन्होंने ये चैप्टर का नाम जो है वो अथात से चालू किया, क्योंकि जैसे उनके गुरु ने कहा था वैसे ही उन्होंने जो है वो ये चैप्टर चालू किया है, ये इस चीज़ को बताता है। इसलिए सारे आप ग्रंथ देखेंगे वो अथात से चालू होते हैं। फिर बाद में अथ के बाद में यहाँ तक जो डिस्क्रिप्शन था वो अथ का था, अभी अथ कंप्लीट होने के बाद में हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे अथ का। अथ का अर्थ होता है अधिकार, अथ का अर्थ होता है अधिकार, यानी कि अब इससे आगे जो वर्णन किया जाएगा उसका अधिकार चालू होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे आयुष काम्य अध्याय चालू हो रहा है, तो अभी पूरा जो अधिकार है इस पूरे ग्रंथ का, जब तक एंडिंग नहीं होता तब तक सारे विषय किससे रिलेटेड रहेंगे, आयुष काम्य, यानी कि अच्छी आयु किस प्रकार मिले और खराब आयु को किस प्रकार अवॉइड किया जाए, इससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी वही सब अब इस ग्रंथ में लिखी जाएंगी। तो इसको अधिकार कहते हैं। फिर बाद में आयु काम्य, तो आयु काम्य में सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आयु किसे कहते हैं। तो जैसे कि महर्षि चरक ने जो है वो यहाँ पे आयु का डेफिनेशन दिया हुआ है। आयु का अर्थ क्या है कि शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा का संयोग, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि आयु मतलब क्या कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा का संयोग, ये संयोग यानी कि मिलन, मिलन यानी कि क्या कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा का संयोग जब तक रहेगा तब तक ही हमारी आयु रहेगी। सपोज कि आपके पास में इंद्रिय है, सत्व है, सत्व यानी कि मन है, और आत्मा है, लेकिन आपके पास में शरीर ही नहीं है, तो क्या आप जिंदा कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे, तो आपकी आयु कंसिडर नहीं हो सकती। उसी प्रकार अगर आपके पास शरीर है लेकिन आपके पास इंद्रिय सत्व और आत्मा नहीं है तो भी आपका जो है वो आयु कंसिडरेबल नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे आचार्यों ने हमारे पूरे आयु को फिजिकल फॉर्म और नॉन फिजिकल फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है, जहाँ पे फिजिकल फॉर्म में शरीर आता है और नॉन फिजिकल फॉर्म में इंद्रिय सत्व और आत्मा आते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की अपनी एक परफेक्ट डेफिनेशन है। तो जैसे कि अगर हम ये डेफिनेशन मान लेते हैं कि शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा इनके संयोग को ही आयु कहते हैं, तो फिर बाद में मुझे एक बात बताइए कि ये संयोग तो जो है वो सब जगह होना चाहिए। सपोज अगर कोई मर गया है, जैसे कि अगर सपोज कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया या मर गया है, तो उसको भी जो है वो शरीर इंद्रिय और सत्व तो उसके पास में है ही, तो उसके पास में सिर्फ आत्मा नहीं है, तो आत्मा तो सभी जगह मौजूद है और उसका संयोग तो बार बार होता ही रहता है, तो उसका संयोग जो है वो होना चाहिए और वो मरा हुआ इंसान भी जो है वो कैसा हो जाना चाहिए, जिंदा हो जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है, क्या कभी ऐसा नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे आयु जो है
वो चालू होने के लिए एक परफेक्ट कंडीशन लगती है जो कि होता है गर्भावस्था। गर्भावस्था में जब शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा का सहयोग होता है और वहां से जो चीज चालू होती है उसे ही आयु कहते हैं। तो जैसे कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा का संयोग जो है उसे आयु कहते हैं, और अगर वो स्थिरी भवे तेव काम्यन्ते येते आयुष्कामा, यानी कि वो जो शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा का संयोग है वो ऐसा नहीं हो कि थोड़े ही समय का हो, या वो ऐसा नहीं हो कि शरीर बीमार है लेकिन फिर भी उसका संयोग हो गया है और अपने को जो है वो बीमार शरीर का संयोग से आयु देखना पड़ रहा है, वैसा नहीं। शरीर भी अच्छा होना चाहिए, इंद्रिय भी अच्छा होना चाहिए, सत्व भी अच्छा होना चाहिए, मन भी अच्छा होना चाहिए और इनका जो संयोग है वो बहुत लंबे समय तक टिकना भी चाहिए। ऐसा अगर जो जिसको भी कामना है वो कामना करने वाले या वो इच्छा करने वाले जो मनुष्य है उनको हम क्या कहते हैं, आयुष्कामा कहते हैं। और ऐसे लोगों को जो है वो अर्थात आयुष्काम्य अध्याय से आगे पढ़ना चाहिए या इसका ज्ञान उनको होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो पहले चैप्टर का नाम क्या है, आयुष्कामीय। फिर बाद में आता है अध्याय। अध्याय का अर्थ मैं आपको पहले ही एक ग्रामेटिकल व्यू पॉइंट से जो अध्याय का अर्थ है वो बता चुका हूँ। अब यहाँ पे जो है वो अध्याय किसे कहते हैं, तो अधिकृत्येयम् अध्याय नाम संज्ञा प्रतिष्ठिता। और ये जो अध्याय का नाम दिया जाता है कि पहले चैप्टर का नाम जो है वो आयुष्कामी होगा, वो क्या सोच के दिया जाता है, तो वो जो है वो यहाँ पे चरक सूत्र अध्याय एक में 30 में 65 नंबर का जो श्लोक है उसमें दिया हुआ है कि अधिकृत्य, यानी कि जो अध्ययन करना है या जो अध्याय में बहुविकल्प रूप से जो है वो जिस भी विषय का वर्णन किया गया है उसी की जो है वो उस अध्याय की संज्ञा हो जाएगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में जो है वो हित आयु सुख आयु दुख आयु इन्हीं चीज़ों का वर्णन किया गया है और आयु का ही वर्णन किया गया, इसीलिए पहले चैप्टर का नाम जो है वो आयुष्कामीय रखा है। तो जैसे कि आप चरक में देखेंगे कि वहाँ दीर्घ जीवितीय ऐसा रखा है और यहाँ पे अष्टांग हृदय में आयुष्कामीय रखा है। फिर बाद में व्याख्या। व्याख्या का अर्थ क्या है कि वी का अर्थ होता है विविध प्रकार आविशिष्य बोधोत्पत्ते, यानी कि विविध प्रकार से, यानी कि एग्जाम्पल्स दे के फिर बाद में उसे जो है वो समझा के फिर बाद में उसके शब्दों का अर्थ बता के विविध विविध प्रकार से अलग अलग एग्जाम्पल्स दे के जो चीज हम समझाते हैं उसे हम वी इस शब्द से जो है वो बताते हैं। तो ऐसे वो इस प्रकार आ जाएगा वी प्लस आख्यान। तो इस प्रकार से वी का अर्थ होता है विज्ञान या वी का अर्थ होता है विविध प्रकार से जो है वो ज्ञान को देना, आख्यान का अर्थ होता है वर्णन करना। तो इस प्रकार से जो है वो विविध प्रकार से वर्णन करना इसी को हम क्यों है व्याख्या कहते हैं। और ये व्याख्या भी जो है वो अनेक प्रकार की होती है। अरुणदत्त के अनुसार पदतः व्याख्या होती है, यानी कि हर एक पद को एक्सप्लेन करना। फिर बाद में तद अर्थतः, यानी कि पदार्थतः व्याख्या होती है, यानी कि हर पदार्थ को एक्सप्लेन करना। फिर बाद में प्रयोजनतः व्याख्या होती है कि उन सभी का रिलेशन प्रयोजन से लगाना, कि जैसे कि हमारे यहाँ प्रयोजन है आयुष्कामी, तो उसी प्रकार प्रयोजनवत जो है वो सारे एक्सप्लेनेशन देना। उद्यत व्याख्या यानी कि क्वेश्चंस करना, यहाँ पे ये क्यों लिखा है, यहाँ पे ये क्यों लिखा है, पहले चैप्टर का नाम आयुष्कामी है क्यों है, इस प्रकार से उद्यत करते हुए व्याख्या करना। फिर परिहारतः, क्वेश्चंस जो उठे हैं उसका आंसर देते हुए व्याख्या करना, उसको बोलते हैं परिहार व्याख्या। और फिर हमें संबंध अभिधेय बताते हुए व्याख्या करना, ये जो है वह इस प्रकार से व्याख्याओं के प्रकार जो है वो अरुण दत्त ने बताए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जो है वो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपने फर्स्ट ईयर में या ऐसे नहीं पढ़ता है, लेकिन अष्टांग हृदय में कभी कभी एमसीक्यू यहाँ से भी आते हैं और बच्चों को तभी पता नहीं चलता है कि एमसीक्यू कहाँ से पूछा गया है, इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है।